पैकेज फूड वर्सेस होममेड फूड। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे घर का खाना अच्छा है, वहीं दूसरे लोग बोलते हैं कि हमारा पैकेज फूड अच्छा है। सो डॉग के लिए अच्छा क्या है, हम बात करेंगे इस बारे में आज। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वक्त में थोड़ा पीछे और देखना पड़ेगा कि उस टाइम के डॉग्स क्या खाते थे और किस तरह की लाइफस्टाइल जीते थे। अगर हम डॉग्स की ही नहीं, हम अपने इंसानों की बात करें, अपनी बात करें, आज से कुछ टाइम पहले या कुछ जनरेशन पहले हमारे जो दादा परदादा ये लोग जो थे, ये लोग करते क्या थे, ये लोग फार्मिंग करते थे। पहले का टाइम जो था उस टाइम हर चीज खुला था, बड़ा था, वहां पे स्पेस होता था, वहां पे हर चीज ताजी और प्योर होती थी। डॉग्स को भी जो खाना है वो प्योर मिलता था, खुली जगह मिलती थी जहां पे वो भागते थे, खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटीज मिलती थी, इंसान के डे टू डे एक्टिविटीज में वो जुड़े रहते थे और इंसान के साथ रहते हुए इंसान भी उनकी कदर करते थे कि उनको किस तरह का खाना देना चाहिए, किस तरह का नहीं देना चाहिए। और खाने में उनको अलग अलग तरह की वैरायटीज भी मिलती थी, पनीर, दूध, छाछ, रोटी, मट्ठा, जो जो चीजें होती है देसी चीजें, उन सारी चीजों के साथ उनको ग्रो किया जाता था। उनकी जो हाइट, उनका वेट, हर एक चीज उनका बैलेंस होता था। लेकिन आज की बात करें, आज के जो डॉग है वो मोटे हो चुके हैं, ओबीस हो चुके हैं और हर कोई इसी चीज पे फाइट कर रहा है कि खाना क्या दे, खाना क्या करे। कि डॉक्टर के पास जाते हैं आप, पूछते हैं वहां पर जाके कि मेरा डॉग मोटा होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है, मेरा डॉग स्ट्रेस में है, मेरा डॉग एंग्जाइटी में है, ये सारी चीजें खाने के साथ रिलेटेड है। और तब जाके ओनर फंस जाता है कि इसको खाना क्या दे, क्योंकि आज की दुनिया में हम जैसे इंसान सब जुड़े हुए हैं कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के साथ। यहाँ पे हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, हम लोग एक अपार्टमेंट में रहते हैं, वहां पे ही डॉग रहता है, वहीं पे हमारी फैमिली रहती है, वहां पे आपके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, आपने बच्चों के लिए ट्यूशंस लगा रखे हैं, डॉग को घुमाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, हमने डॉग के लिए वॉकर्स लगा रखे हैं। वैसे ही जैसे आप अपने लिए स्विगी, फूड पांडा, जोमैटो इन सबके साथ टाई अप करते हैं, उनसे खाना मंगवाते हैं, वैसे ही आपने डॉग के लिए भी अब डॉग फूड पैकेजेस का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन क्या ये चीजें सही हैं या नहीं, इस चीज पे अब आते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स होममेड फूड की, कि घर के खाने में हम क्या क्या ऐसी चीजें गलत देते हैं डॉग्स को जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन या कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आते हैं बिस्किट्स के ऊपर, जो आप घर में जो बिस्किट्स हम खुद खाते हैं एक्सेस मीठा वाला, या जो चीनी खाते हैं वो हम डॉग्स को खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, उनके खाने में एक्सेस ऑफ सॉल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। ज्यादा मीठा खाने से क्या होता है, डॉग ओबेसिटी की तरफ बढ़ता है और डायबिटिक हो जाता है। दूसरी तरफ एक्सेस ऑफ सॉल्ट देने से डॉग को मिर्गी के दौरे आने स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी बॉडी में सोडियम लेवल काफी हाई हो जाता है। अब बात करते हैं पैकेज फूड में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली चीज कि पैकेज फूड का जो न्यूट्रिशन है, जो उसके पैकेट पे लिखा हुआ है, क्या आपके डॉग के लिए वो सफिशियंट है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पैकेज फूड में कुछ न्यूट्रिशंस मिसिंग होते हैं और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो डॉग के लिए भी हार्मफुल है। मैं ये नहीं बोलता कि सारे पैकेज फूड जो है वो बेकार होते हैं, लेकिन पैकेज फूड तभी रेकमेंड किया जाता है डॉग के लिए जब आप घर पे खाना नहीं बना पा रहे। लेकिन पैकेज फूड को रेगुलरली देना डॉग की हेल्थ को डिटोरिएट करता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है, कई बार ऐसे मीट प्रोडक्ट्स यूज होते हैं जो बेसिकली हमें रोड किल या फिर कुछ ऐसे वायरसेस जैसे सैलमीना वायरस हो गया या फिर एक्सेस ऑफ सॉल्ट, कई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको एक बेकार सोर्स ऑफ फूड या प्रोटीन बनाती है डॉग्स के लिए। सो अगर आप अपने डॉग को पैकेज फूड दे रहे हैं उसके बारे में दो बार सोचे और देखिए कि अच्छा पैकेज फूड कहाँ मिलता है, कहाँ पे रखा जाता है या उसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है। इन सारी चीजों को गौर करने के बाद ही अपने डॉग को पैकेज फूड देना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोज ऑफ होममेड फूड एंड पैकेज फूड। पैकेज फूड के प्रोज की बात करते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप अपने डॉग को पैकेज फूड दे सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है खाना बनाने का, लेकिन तब भी देखिए कहां से आ रहा है। कोई ब्रीडर अगर आपको अगर एक पैकेज फूड रिकमेंड करता है तो वो देखिए किस पर्पज के लिए कर रहा है। अगर उस पैकेज फूड से आपके डॉग के न्यूट्रिशन वैल्यूज पूरे हो रहे हैं तो होम कुक की जगह उसे पैकेज फूड दीजिए। अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ होम कुक फूड।
होम कुक फूड के अंदर बेनिफिट्स ये है कि डॉग को एटलीस्ट साफ सुथरा खाना मिल रहा है, उसे डेली बना हुआ खाना मिल रहा है, गर्म खाना मिल रहा है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि होम कुक फूड के तौर पे हम उसे रॉ इंग्रेडिएंट्स भी देते हैं, जैसे रॉ चिकन हो गया या फिर रॉ लैम्ब हो गया या रॉ फिश हो गया। लेकिन यहां पे भी आपको देखना पड़ेगा कि जो रॉ मीट या बाफ डाइट होती है होम कुक मील के हिसाब से, उसके अंदर आप कौन सा फूड दे रहे हैं। अगर आप एक नॉर्मल बॉयलर चिकन जो हम लेते हैं खाते हैं उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता वो दे रहे हैं तो डॉग को कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन वहीं आप अपने डॉग को मिन्स लैम, मिन्स फिश विदाउट बोन वाली दे रहे हैं और उसके अंदर देख रहे हैं कि डॉग उसे खा रहा है अच्छी तरह, तो उसके अंदर कई बेनिफिट्स आएंगे। क्योंकि आफ्टर कुकिंग द फूड ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ मतलब आफ्टर कुकिंग द फूड ऑल्सो जो आप खाना दे रहे हैं अपने डॉग को उससे भी कई न्यूट्रिएंट्स उड़ जाते हैं, तब आपको मल्टीविटामिन्स भी डॉग को देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप रॉ डाइट दे रहे हैं उसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन आपके डॉग को मिलेगा। अब मैं ये आप पे छोड़ता हूं कि आप अपने डॉग को क्या देना चाहते हैं, क्या उसे एक कंप्लीट फूड देना चाहते हैं, क्या वो घर का खाना है या पैकेज फूड है या बाफ डाइट है या क्या है, आप क्या अपने डॉग को खिलाएंगे जिससे उसकी हेल्थ को अच्छा महसूस हो, आपका डॉग हेल्दी रहे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉग को घर पे बना हुआ खाना देना चाहिए जो मैं रिकमेंड करता हूं। लेकिन कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे जॉब टाइमिंग्स अलग होते हैं, हमारी शिफ्ट्स अलग होती है, हमारे बच्चे हैं घर में, नहीं है टाइम आजकल सबके पास, तो लोग पैकेज फूड दे रहे हैं। तो पैकेज फूड रिसर्च करिए, देखिए कौन सा अच्छा है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए तभी दीजिए, वरना अपने डॉग को खतरे में मत डालिए। मैं अभिनव कृष्ण आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा TUC पे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।